भाई साहब सुनिए, हेलो भाई साहब, मिर्ची ये आदमी मुझे थोड़ा बहरा लग रहा है, तुम इसे आवाज दो। ए सपे सर, ए गोल मुंडी, अबे इतनी धाप में काय को आ रहे ले, अपुन थोड़ी देर को टपकाएगा, ए खजूर। हेलो भाई साहब, जरा सुनिए भाई साहब, बात सुनिए हमारी। फंसे ना रे तुम मेरे दहिये में, तुम्हारे पैरों जाग जाग से मेरे आंखें कैसे टमाटे के गत हो गए, तूरे इतना बड़ा टरपा होगा ना ऐसे धंधे उठा रहा। देखिए भाई साहब, जरा लाइन से पास कीजिए तुम। अरे चो पानी में भिगे नान के मुँह के। ए अंकल, ए अंकल, क्या इज्जत की वाट लगा रहे लाए, ज्यादा सड़ लगेगा, टाइट मत हो बेटा। हाँ न तो ये मांग दिख रही ना, बीच में से बासड़े के घर चिर डालूंगा बेटा। हाँ ए अंकल, अपुन को पहचान क्या, तेरे को पहचान के का, मेरे को तेरे वहां पे बेटी देने गिरे। देव साहब, तुम इसको समझा रहे ले कि नहीं, अपुन का बीपी हाई हो रहे ला है। अरे तेरा बीपी हाई हो रहा मगर ये मेरा अनाज घट रहा, उसका क्या। अन क्या रे, तू भी इतना कैसा टरपा होगा, इतनी तेरी उम्र होगी, अन ये क्या रिका में चाले कर रहा तू, इतने इतने कीड़े साथ में लेके फिर रहा। ए देव साहब, अपुन की अटरेली और दिमाग की रख फट रेली है, निकालू क्या घोड़ा। मिर्ची कूल, मिर्ची कूल। हाँ समझा इसको, न तो बेटा मारूंगा ना एक चाटेगा धूल, समझा। का कह रहे तुम, ए मुंबई से आए ले, मुंबई से। अरे चले झूठे, धूल तो मेरे को धूलिए की दिख रही। ए देव साहब, पानी सर के ऊपर आ रहे ले। अरे का आ रहा पानी, ये तुम्हारे दुआड़ पाओ मेरे गांव में आगे ना, का आ रहा पानी। ए मचमच, दिमाग की वाट मत लगा, नहीं तो छे की छे तेरे अंदर डाल देगा। रख प्लास्टिक के वो रख, 6 रुपए की कल ही दिलाया मैंने पूरे गुरा के अंदर। आप मेरी बात सुनिए चीचा। चीचा तो वो मैं चीचा, अंतु पोतरा क्या रे चिम्मट। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे हाँ फिर मेरे सिर पे तो चा का भगोना चढ़े लेना, ए देख उकल रही। आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मेरे दीदों में तो कोम निकल गए ना, चेनते फिर रहा मैं लोगों को, क्या रे चपटी कुल्फी के मुँह के। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे फिर मैं तो ताना बच्चा है ना, अंगोटा चोकरा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, यहाँ के लोकेशन पे मैं एक बढ़िया फिल्म बनाना चाहता हूँ। आपने मेरी बहुत सी फिल्म तो देखी होगी, काइट चौरी मेरा नाम और हम है नल जवान। अरे मेरे बड़े बाप, अरे तेरा मुंह काला होगा रे, तेरे वहाँ पे आईना है ना, जरा सा देख जाके उसमें। अरे तेरे गाल कैसे हो गए, देख ऐसा लगता गिल्ले कपड़े। मैं देवानंद हूँ, मैं ही देवानंद हूँ। ऐसा साला, मैं जब ही कब से परेशान है, मैं सोच रहा हूँ तू किसकी झबक मार रहा है, तू देवानंद है तू। एक बात बताओ मेरे को, तुम हीरो है ना हीरो। अरे तो छिलता कौन है फिर। ए अंकल, अभी भी तेरे दिमाग की लोकल पटरी पे नहीं आ रही है, अभी समझ बनी की नहीं बनी, क्या है ना अपुन बहुत खतरनाक मूर्ति है। मैं भी बेटा मूर्ति पकड़ के ना घुटने पे रख के तोड़ डालता। हाँ समझ ले फिर। ए रिटायर साइकिल, ए देवानंद आवर रहा क्या इसको। हाँ बेटा मैंने पहचान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ। बेटा टंगड़ा पकड़ के दीवार पे उपट मारूंगा। हाँ चला चला ट्रे बारिक तू भी। एक मिनट कमरों दिन दादा है, एक मिनट। अरे आप बोल ना, अब मेरे दिल लायक बात करा, अब बोल तेरे वास्ते तो जान हाजिर है, बोलो क्या बोलता बा। क्या बात कर रहे ले बाबा, पहचाना तूने मगर बहुत टाइम के बाद पहचाना मेरा बच्चा ना। आओ बोलो, अब तो तुम्हारे वास्ते जान हाजिर है, आओ बैठो चलो, आओ क्या काम है बोलो, चलो आओ आओ बैठो। अभी काम की बात तो होते रहेगी बाबा, अभी अपुन की इतनी बेइज्जती हो गई है ना। अरे तो तुमको भी बोलना था ना रे, एक तो साला मैं परेशान, मेरे खेत में से 3 दिन से अनाज चोरी हो रहा है, और तुम किसको चिल्ला रहे थे। वो क्या खड़े ले सामने, कौन वो
अरे चगेल आदमी है वो, अरे पुतला है ना रे। देखो सारे फालतू बाता छोड़ो, काम क्या है वो कहो तुम, काम बोलो, काम बोलो, काम क्या है? देखिए कमरुद्दीन दादा, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो पाँच पाँच पेड़ डायलॉग बोलता हो। अरे गाजा यहाँ तो अरे बाप रे बाप, गधे पसेरी पड़े यहाँ तो। तुमको तुमको कितने होना वो बोलो तुम। सिर्फ एक आदमी चाहिए बस। हाँ मिल जाएगा ना, मैं कैसा है और खतरनाक आदमी हो तुम। हाँ तो मैं पहली पायरी पे, मेरे से बड़े बड़े पड़े ले मालूम क्या। हाँ एक आदमी है साला, मगर 24 घंटे नशे में ही रहता हूँ, दिन रात पीते ही रहता बस वो। कोई बात नहीं कमरुद्दीन दादा, मैं रात की थोड़ी सी पी लेता हूँ। अरे हमको समझता ना हो, अंदर से तुम भी कितने गंदे है, है? चलो फिर चलू क्या मैं? हाँ मैं तुमको रास्ता बता देता हूँ कि वो आदमी कहाँ पे मिलेगा। हाँ ऐसा जाओ सीधा तुम, हाँ झाड़ के नीचे पीते बैठा हूँगा वो। हाँ क्या कह रहा मैं सुन। हाँ अरे हाँ एक बात तो मैंने तुमको बताया ही नहीं, ऐल फैल बकना मत है उसके सामने, बाता काम करता छूट फैट मारता वो। हाँ समझे क्या? अरे अंकल और देव साहब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, अगर ऐसा कुछ है ना तो साला अपुन ही कवर कर डालेगा उसको। देवानंद और इसको चलो जाऊ क्या मैं? हाँ हाँ चल अटक ले। देव साहब अभी तक अपनी लाइफ में इतनी बेइज्जती नहीं हुए ले, साला बम्बई में बड़ा बड़ा साहब लोग अपने को लूट मारता है और ये 5 एकड़ की जमीन वाले ने अपनी इज्जत की वाट लगा दिए ले, है? इसने अपना बीपी हाई कर दिए ले, साला अपुन का भी फैमिली है यार, तुमको ये बात का एहसास है कि नहीं? मिर्ची तुमने वो कहा तो सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे जान होगी तो पाएगा ना। खैर चलो उसे देखते हैं।